हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन चैनल में। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का खनिज। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो खनिज संपत्ति है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो प्लेटू रीजन के आसपास आता है, थोड़ा सा दिक्कन एरिया में आता है। हमारे जो राज्य है उसमें पाट, पठार सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे, जिस वजह से हमारी जो खनिज संपदा है हमारे राज्य की वो बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है भूगोल की दृष्टि से, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सबसे पहले आपका ये लेसन दिख रहा है आपको, छत्तीसगढ़ खनिज, इसमें जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, उनका जिलावार खनिज का उत्पादन कौन सा कहाँ होता है, और इसके आगे के जो लेसन होंगे मैं उसमें आप लोगों को पर्टिकुलर खनिज को लेके, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, इन सारी चीज़ों को लेके अलग अलग क्लासेस मैंने बनाई हैं, जिससे कि आप लोगों का ये खनिज वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वे में कंप्लीट होगा। ये अभी की परीक्षाओं के लिए, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स टाइम के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, बस वो जो हर साल कितना उत्पादन हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसी में चेंजेस आते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको क्लास बता रही हूँ ये अभी के लिए लेटेस्ट है, आगे जब इसमें कुछ और अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। सॉरी, तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देख के आप लोगों को समझ में आ गया है कि हम लोग छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्ष 2014-15 में पेट्रोल, गैस और गौण खनिजों को छोड़कर खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से लगभग 8.2% योगदान के साथ देश के राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, आप कौन कौन सा खनिज छोड़ रहे हैं? पेट्रोलियम, गैस और गौण खनिज, इन तीनों को छोड़कर बाकी के जो खनिज हैं उनका अगर आप लोग उत्पादन मूल्य देखेंगे तो पूरे देश के हिसाब से, अगर पूरे देश का आप 100% लेते हैं तो 100% का लगभग 8% जो उत्पादन मूल्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य का होता है, और इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ है वो तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट डाटा है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो है देश में सबसे पहला स्थान है। लोह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में दूसरा स्थान है। डोलोमाइट जो होता है उसके में भी छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। बॉक्साइट में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। तो आप लोग देख सकते हो लोह अयस्क और बॉक्साइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, और कोयला और डोलोमाइट के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। मतलब कि जो टीन जो है वो इतना है कि उसको उत्पादन के लिए उसको निकाला जा सके, तो उसका जो है छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक राज्य है टिन का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार। छत्तीसगढ़ जो है वो खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है। राज्य में, हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, उसमें टोटल 28 मुख्य प्रकार के खनिजों का भंडारण है, जिसमें से जो 20 है ना, 20 प्रकार के जो खनिज हैं उनका खनन किया जाता है और विपणन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए खनिज उपलब्धता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो हमको ऐसे नॉर्मली भी पता होना चाहिए, अगर आप लोग तैयारी करें या ना करें, अगर आप अपना जीके लेवल बढ़ाना चाहते हैं, अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। खनिज उपलब्धता के केस में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है। टोटल 28 प्रकार के आपके खनिजों का भंडारण है, जिसमें से 20 प्रकार के खनिज जो हैं उनका खनन विपणन हमारे राज्य में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जिलेवार मुख्य खनिजों का उत्पादन। कौन सा जिला में मुख्यतः कौन सा खनिज जो है उसका उत्पादन किया जाता है? तो रायपुर में आपका चूना पत्थर, बलौदा बाज़ार रायपुर के पास ही है, तो चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्वर्ण धातु। देखिए चूना पत्थर वहाँ पे है बलौदा बाज़ार में, तो आप लोग अगर जानते होंगे तो बहुत सारी जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वो बलौदा बाज़ार के आसपास ही स्थित हैं और बलौदा बाज़ार में ही स्थित हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चूना पत्थर का उत्पादन होता है। गरियाबंद में क्या क्या है? गार्नेट, हीरा, एलेक्जेंड्राइट। ठीक है, और उसके अलावा लोह अयस्क और मैंगनीज जो है वो थोड़े से मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध है।
दुर्ग में आपको फिर से मिलेगा चूना पत्थर, बालोद में आपको मिलेगा लोह अयस्क, बेमित्रा का जो एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगा चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट। उसके बाद राजनंदगांव का जो एरिया है, देखिए चूना पत्थर, लोह अयस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्ट्स। कबीरधाम का जो एरिया है वहाँ पे आपका, मतलब कवर्धा का रीजन, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लोह अयस्क और सोपस्टोन। धमतरी में आपको मिलेगा क्ले और अगेट, ये भी दो प्रकार के खनिज है जो वहाँ पे मिलते हैं बहुत सूक्ष्म मात्रा में। महासमुंद में आपको मिलता है स्वर्ण धातु, क्वार्टरजाइट, लोह अयस्क और चूना पत्थर। आप लोग देख सकते हैं कि चूना पत्थर जो है वो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे राज्यों में मेनली मिलता है। जगदलपुर में भी आपको मिलेगा चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट और क्वार्टरजाइट। इसके अलावा देखिए ये अब आ जाता है आपका नारायणपुर, कांकेर, ये वाला रीजन पूरा, मतलब जो हमारा साउथ छत्तीसगढ़ में आता है वहाँ पे नारायणपुर में लोह अयस्क, कांकेर में आपका लोह अयस्क और बॉक्साइट, कोंडागांव बॉक्साइट, दंतेवाड़ा में लोह अयस्क, टीन अयस्क, कोरंडम और बॉक्साइट बीजापुर में, और सुकमा में मिलता है क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, टीन और कोरंडम। अभी तक ये कोरंडम जो है वो बाकी के जिलों में आपको नहीं दिखा, ये जो बस्तर संभाग है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम अपना बिलासपुर वाले संभाग में, तो बिलासपुर में मिलता है आपको चूना पत्थर, डोलामाइट, मुंगेली में चूना पत्थर और क्वार्टरजाइट, जांजगीर में भी चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोरबा में बॉक्साइट, कोयला, कोयला मिलना देखिए अब चालू हो रहा है, कोयला जो है आप बाकी के जिलों में नहीं देख पाए होंगे लेकिन ये जो बिलासपुर वाला संभाग है वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप लोग देखिए रायगढ़ में भी, देखिए ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, संभाग वाइज नहीं हो पाया, रायगढ़ में भी आपको कोयला देखने को मिलता है, कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर और क्वार्टरजाइट। जशपुर में आपको मिलेगा स्वर्ण धातु, बॉक्साइट, जांजगीर का मैंने बताया चूना पत्थर, डोलोमाइट, सरगुजा वाला जो एरिया है आपका, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जो आपका एकदम नॉर्दर्न पार्ट आ जाता है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे आपको क्या मिलता है, बॉक्साइट, कोयला, मेनली देखिए बॉक्साइट और कोयला ही मिलता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो देखिए सबसे ऊपर में जो आपका आता है, दो संभाग आते हैं यहाँ पे, आपको मेनली क्या देखने को मिल रहा है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट और कोयला। कोयला आपको साउदर्न पार्ट में नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आप जब नीचे की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, चूना पत्थर मेनली देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको मिल रहा है लोह अयस्क जो है मेनली, आपको यहाँ पे जो बस्तर वाला संभाग है वहाँ पे आपको लोह अयस्क देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे खनिज हैं जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं, जैसे क्वार्टरजाइट हो गया, थोड़े बहुत स्वर्ण धातु हो गए, वो जो है हर कोई कोई जिले में थोड़े बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका डिवीजन है सारे खनिजों का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक जनरल आइडिया दे दिया छत्तीसगढ़ के खनिज का। अब हम लोग एक एक खनिज को पकड़ के जो जो इम्पोर्टेंट है उसको लेते हुए आगे की क्लासेस को कम्प्लीट करेंगे। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।